रामनवमी से पहले मिथिला के लोगों को एक खुशखबरी मिली है। दरअसल रामनवमी से पहले जयनगर से जनकपुर धाम के बीच 2 अप्रैल से ट्रेन सेवा शुरू होने की बात कही जा रही है। नेपाल सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू हो सकती है और अब इसकी तैयारी में भारत और नेपाल के अधिकारी जुट गए हैं। इसको लेकर जयनगर में भारत नेपाल के अधिकारियों ने आज निरीक्षण किया। इसके पहले कई बार ट्रेन चलाकर रेल रूट की ट्रेन को तैयार किया गया। अब समझा जा सकता है कि 2 अप्रैल से जयनगर से जनकपुर धाम के बीच ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी। इससे रामनवमी के अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं को जनकपुर धाम आने में सुविधा मिलेगी। मधुबनी से मनीष कुमार की रिपोर्ट। Thank you.